राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लगता है तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, नेहल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। हमारा ऐसा मैनिफेस्टो तो बनता है, मैनिफेस्टो बनता है, मैनिफेस्टो के ऊपर अमल भी होता है, लेकिन विजन, एक विजन हमारा अपना होगा। उस विजन के शहर को हम विजन देंगे और उस विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो विजन का ऐलान वहीं पर मैं करने वाला हूं और वक्त वक्त पर अलग अलग विजन शहर के अंदर हम लोग ऐलान करेंगे। लेकिन पहला विजन जो हमारा अपना होगा, ये शहर की आवाम के लिए, ये मस्जिद और मीनारों के शहर के लिए, वो मैं 20 तारीख को वहां विजन का ऐलान भी करने वाला हूं। ये विजन लेकर हम लोग चलेंगे। हमारे अपने जो मुखालिफ है, बार बार अब घड़ी देखना पड़ता, टाइम तो नहीं हो गया, नहीं तो केस बन जाएगा। हमारे अपने जो मुखालिफ है वो कितनी रोतड़ी कर रहे हैं आपको पता है? पता है ना, शहर देख रहा है, शहर शहर देख रहा है। मुझे एक बात बताइए आप, ये मीडिया के जरिए मैं शहर की आवाम से भी मैं पूछना चाहता हूं, ये शहर की आवाम से भी पूछना चाहता हूं। आज के एमएलए जब वो 2007 में सियासत में आए तो बहैसियत क्या बोलकर आए मुझे बताइए आप। बहुत बड़ा सवाल मैं शहर से कर रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल है और संजीदा लोग, शहर के उलमा, शहर की दीनी तंजीमें सोचे मेरे सवाल को। जब वो 2007 में जब वो सियासत में उन्होंने कदम रखा तो बैतुल माल की हिफाजत, इलेक्शन हम लोग लड़ाएंगे, वो ये बोलकर नहीं आए थे कि मैं मुफ्ती हूं, मैं मजहबी हूं और मैं मजहबी सियासत करूंगा, ये बोलकर नहीं आए थे। संडास बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, गार्डन बनाऊंगा, अच्छी सहूलत दूंगा, यह वादा शहर की आवाम से उन्होंने किया था। जब हिसाब का वक्त आता है 2007, फिर 2009 में आप एमएलए बने, जब 2012 में कॉरपोरेशन का चुनाव आया तो आप हिसाब बाहैसियत सियासी आदमी, बाहैसियत आप एक एमएलए, बाहैसियत आपके 27 कॉरपोरेटर आए, आपने हिसाब शहर को नहीं दिया। आप फिर एक मर्तबा, मैं जमीतुल उलमा का सदर हूं, मुझे बुरा मत बोलो, मुझसे हिसाब मत मांगो। तुमने रोया, मैं ईदगाह का इमाम हूं, मुझे बुरा मत बोलो, मुझसे हिसाब मत मांगो। अरे भाई, आपको कहा शहर की आवाम ने शहर का विकास, शहर का डेवलप करने के लिए चुन कर दिया तो हिसाब तो मांगेंगे बहैसियत एक सियासी आदमी। लेकिन जब आपका हिसाब देने का वक्त आता तो आप, मैं जमीतुल उलमा का सदर हूं, मैं शहर का मुफ्ती हूं, मैं जामा मस्जिद का इमाम हूं, मैं ईदगाह का इमाम हूं, आप अपना मजहबी चेहरा सामने लेकर आते हो। ये कहां से इंसाफ है? शहर की आवाम सोचे। अब इनको जब 19 में चुनाव लड़े, बड़े बड़े वादे किए, एमआईएम मजहबी
जज्बाती क्या क्या नहीं वादे किए, अब हिसाब का वक्त आया तो अब एक मरतबा फिर बोलने लगे मैं जमीतुल उलमा का सदर हूं। अरे शहर की आवाम ने उसके लिए वोट नहीं दिया था, तुम तो जमीयत के सदर हो तो जमीयत के जो मेंबर है वो ऑफिस के अंदर बैठ के चुनाव हुआ वो अलग है, जो शहर की आवाम ने वोट दी थी स्कूलों में जाकर पोलिंग बूथ पर जाकर वो शहर की आवाम हिसाब मांग रही, बहैसियत एमएलए आप उसका जवाब दो। जब जवाब देने का वक्त आया, आपको हिसाब देने का वक्त आया तो आप मैं जमीतुल उलमा का सदर हूं, मैं जमीयत बचाने के लिए फतेह मैदान पे जलसा लूंगा। अरे ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? तो आप ये शहर के आवाम से मेरा सवाल है कि जब आप वोट देते हो तो एक एमएलए को देते हो, आप अगर कार्बोरेटर को वोट देते हो तो कार्बोरेटर को वोट देते हो, तो आप अगर एमएलए का इलेक्शन आ रहा है तो बाइसियत एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब से हिसाब मांगो, आप जमीतुल उलमा के सदर से हिसाब मत मांगो आवाम, आप जामा मस्जिद के इमाम से हिसाब मत मांगे मेरी शहर की आवाम, ईदगाह के इमाम से हिसाब नहीं चाहिए हमको, हमको शहर के एमएलए से हिसाब चाहिए और ये शहर की आवाम अब हिसाब ले बाइसियत एमएलए, बाइसियत एमएलए। तो ये शहर को आप जो घुमा के रखते हो, जो जहन खराब हमारी मां बहनों का करते हो, जो मजहब का सहारा लेते हो, दीनी तंजीमों का सहारा लेते हो, तो अब ये शहर नहीं बर्दाश्त करेगा और ये तुम्हारी चालाकी और ये मंतिक बातें अब ये शहर नहीं बर्दाश्त करेगा। बाइसियत एमएलए आपने 5 साल किसको राज्यसभा में किसको एमएलसी में वोट दिया, कितना करोड़ रिया उसका हिसाब दो, ये चलेगा नहीं। आप जो भागते हो भागो मत, आप मेरे परिवार पर इल्जाम लगाओ और लगाओ जितना लगाना लगाओ, लेकिन तुमसे तो हिसाब मैं मांगूंगा, अब तुमको हिसाब देना पड़ेगा मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, हिसाब आपको देना। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं ये रोतड़ी लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं, अभी और नहीं तो रोएंगे स्टेट पे शोर मचाएंगे। मैं आज बोलता हूं ये वो हद तक गुजरेंगे जो कभी शहर की सियासत में नहीं हुआ, क्योंकि जमीन खसक रही है। मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट से इलेक्शन कमिश्नर से मैं डिमांड करता हूं कि हमारे शहर के एमएलए मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब को सिक्योरिटी दे दो, एक नहीं 4 सिक्योरिटी गार्ड दो, नहीं तो कल ये बोलेंगे शेख आसिफ के वर्कर ने फुग्गा मारा काली फेंक दी हमको छेड़ा, ये रोकड़ी करेंगे तो बंदोबस्त दे दो, कल हमारे पे इल्जाम नहीं आना चाहिए, ये ढोंग करेंगे उनके लोगों से सब करवाएंगे कि गोबर मारा किसने काली पोता किसने ऐसा करा किसने गालियां दिया, और शहर को फिर चिल्लाएंगे कि देखो मेरे साथ क्या हुआ देखो मेरे साथ क्या हुआ, तो डिपार्टमेंट उनको पुलिस सुरक्षा दे, और अगर हो सकता तो उनके साथ में जो मंच पे बैठे हुए लोग वो ज्यादा भोगो रोएंगे उनको भी सिक्योरिटी दे दो। हम सीधा साधे लोग हैं, हम सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना चाहते, हम विकास पर हम डेवलप पर इलेक्शन लड़ना चाहते, तो पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के आवाम ये नोट करे ये पाखंड करेंगे, ये पाखंड करेंगे। 99 में हमने देखा 99 में एक महिला थी एक लीडर की मिसेस बराबर ना, वो बोलते थे मेरी साड़ी खींच लिए 99 के इलेक्शन तो ये ऐसा होगा। तो मैं शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहूंगा उनको सिक्योरिटी दे, उनके साथियों को भी सिक्योरिटी दे, नहीं तो कल मेरे परिवार पर मेरे जिम्मेदारान पर मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाएंगे
तो आज मैं ये बात नोट करने के लिए बोल रहा हूं, और तो डिपार्टमेंट ने हर जगह उनके साथ कैमरा लगा दो, पुलिस डिपार्टमेंट का, मेरे साथ भी कैमरा लगा दो, मेरे परिवार के साथ कैमरा लगा दो, ताकि रिकॉर्ड तो होगा, झूठ तो नहीं कि वो झूठ बोल रहे। अरशद मदनी साहब से मिलने गया, वो देश के बाहर गए, खड़गे से मिलने सुबह बच्चों के साथ, और बोले खड़गे के पास गए सुबह बच्चों से मिलने, कांग्रेस के टिकट के लिए बोले मौलाना अरशद मदनी साहब से मिलने गया। अरे मौलाना तो देश के बाहर है, इतना झूठ झूठ सामने आया तो ये इस तरीके का झूठ बोलेंगे, पाखंड करेंगे, तो ये शहर की आवाम को समझना चाहिए। और मैं शहर के उलमाओं से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि आपने जो सोचकर 2007 से उनको आज तक वोट दिया, शहर के उलमाओं ने उनकी हिमायत की, अब वो रास्ता भटक गए। यही शहर के उलमाओं से मेरी अपील है कि वो रास्ता भटक गए, उनको अगर रास्ते पे लाना है तो मैं कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बोलूं, इसके लिए उनको उनके घर पहुंचा दो, उनकी जगह पर। नहीं तो जितना गुनाह वो कर रहे हैं, जितना करप्शन कर रहे हैं, वो आप पर भी ना आ जाए, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है। तो ये शहर को बचाना भी है और सही एक शख्स को रास्ते पर लाना भी है, इसीलिए आज आपको बुलाया। 20 तारीख को संडे को डायमंड लॉन्स में धमाकेदार मास्टर स्ट्रोक के लिए हाजिर हो,